यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा दिन का आगाज हो चुका है और हम आज का व्लॉग जल्दी शूट करते हैं। अभी ना सबसे पहले मैं बहुत लेट उठी हूँ आज, तो अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। उसके लिए मैं बना रही हूँ मिल्क शेक, और मिल्क शेक के लिए मैंने ये आम के स्लाइस बना के रख लिए। ये मैंगो के स्लाइस हैं, ये जूसर है। अभी मैं बनाने लगी हूँ मिल्क शेक। अभी सबसे पहले मैं अपनी चाय गर्म करती हूँ, बिकॉज आई लव चाय। कांट लिव विदाउट चाय, सॉरी टी, कांट लिव विदाउट टी। और ये है मेरी चाय। अभी ये सुबह मोम ने बनाई थी, इसको गर्म करना है बस। ये कोफ्ते का सालन है, ठीक है, ये भी मैं गर्म कर रही हूँ। नाश्ते में मैंने ये सालन खाना है, ये मैंने रात को बनाया था। तो बर्नर ऑन करते हैं, ठीक है। मैं एक मिनट तक बर्नर ऑन कर लूँ। अभी मैंने चिकन पुलाव बनाया था, उसकी फुल मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने अपने लिए ये थोड़े से चिकन पुलाव ले लिया है और मैं खाने लगी हूँ। 4 hours later आज हम कुछ नया करने वाले हैं। ये है आइस क्यूब, लेकिन इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, इसको इसको साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर काम है इनका। ये क्या है? फल से पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, मैं तो उनको फाल से ही कहती हूँ। पर ये बड़े मज़े के होते हैं। उधर चूल्हा जल रहा है, अगर मैंने उधर यहाँ पे रख दिया तो ये जल जाएंगे। पर मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, वैसे थोड़ी सी तो हूँ। ये थोड़ा सा कच्चा है। मुझे ना बचपन में कच्चे ज़्यादा अच्छे लगते थे। हमारे विलेज में हम तोड़ा करते थे। हाय हाय, ये कितना मज़े का है, कच्चा सा। ये मैं खा जाती हूँ। ये भी थोड़ा कच्चा लग रहा है, ये भी मैं खा जाती हूँ। हाँ, ये वाला भी कच्चा है, ये वाला भी मैं खा जाती हूँ। अरे वाह, कितना मज़ा है खट्टे का, खट्टा खट्टा सा है। एक ये भी खा जाती हूँ। कोई बात नहीं, ये वाला भी मज़े का लग रहा है, ये भी मैं खा जाती हूँ। हाय यम्मी, ये भी खा जाती हूँ। सो अभी इसमें जा रहे हैं जी फल से। अरे वाह, ये कितने मज़े के लग रहे हैं। ओह माय गॉड, दिल ही नहीं कर रहा इसमें डालने का, दिल कर रहा सारे खा जाओ। पर जूस ऐसे थोड़ी बनता है। हाय, मज़े के लग रहे हैं। आप लोग को भी मज़े के लग रहे हैं? मुझे तो बहुत। जो फलसे का जूस बनता है ना, उसमें मैं ऐड करती हूँ तो 7 up प्लस आइस क्यूब्स प्लस काला नमक। और अभी ये थोड़ी सी 7 up और मैं डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सारा बनना चाहिए ना, इसलिए पहले फलसों को अच्छे से वॉश करते हैं ना। मैंने वहाँ पर करके रखा हुआ था। हाँ, इसी बीच में मैंने थोड़ा सा खा भी लिया, बिकॉज आई लव फल्स। सो हम इसका लगाने लगे हैं जूस। ग्राइंडर मैंने ऑन कर लिया है। एंड नाउ जिस जिस को ये जूस मज़े का लगता है या जो पसंद है, सो वो मुझे कमेंट में बताए, ओके। अरे वाह, दिल कर रहा है इसमें से 2-3 उठा के खा जाऊँ, पर मैं ऐसी बुरी इंसान नहीं हूँ। अब मैं नहीं खाऊँगी, अब मैं सीधा जूस ही पीऊँगी। आई फाई मज़ा आएगा। ओ माय गॉड, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फाइनली रेडी हो चुका है। मैंने लिया पूरा मक्का, बिकॉज आई लव दिस जूस। यम्मी, तो बहुत मज़े का बना है। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो ये ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। 7 up में बस आपने इसको ग्राइंड कर देना, बहुत मज़े का बन जाएगा। सो फाइनली गाइस, दिस इज रेडी नाउ। अब मैं इसको जग में डाल देती हूँ, ठीक है। साथ मैंने ना ये 2 glasses में भी ऐड करी, सारे बीज ना इसके यहाँ पे आ गए, इसको मेरे आसानी से बस। सो फाइनली दिस इज रेडी नाउ। ये मैंने बनाया है। आई नो मैं चीज़ें अच्छी बना। दिस इज फाइनल लुक। अब 10 मिनट।